अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं मैकेनिकल वेव्स क्या होती है और मैकेनिकल वेव्स की टाइप कौन कौन सी है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव है और फिर ट्रांसवर्स वेव्स है। स्टूडेंट, इससे जो प्रीवियस लेक्चर में ना हमने पढ़ा है कि वेव की डेफिनेशन पढ़ी है, वेव की टू टाइप्स पढ़ी है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ी है और एक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी है। आज की इस वीडियो में हम देखें वेव की, अगर हम बात कर रहे थे वेव की टू टाइप्स हमने पढ़ी है, एक हमारे पास होती है जी ट्रांसफर वेव्स, सॉरी मैकेनिकल वेव्स, और एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और ये तीनों चीजें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मजीद जो फर्दर है वो मैकेनिकल वेव्स की, फिर मजीद हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक हमारे पास होती है ट्रांसफर वेव्स वेव और एक हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम ये ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम वेव, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ चुके हैं। अब जो ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये मैकेनिकल वेव्स की मजीद टू टाइप्स है, तो अब आज इस लेक्चर में हम इन दो टाइप्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स की हमने बात की, टू टाइप्स होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। पहले हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। नंबर वन, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है स्टूडेंट, एक चीज आपने याद रखनी है कि जो वेव होती है ना वो इनर्जी ट्रांसफर करती है। वेव क्या करती है? इनर्जी ट्रांसफर करती है, सिर्फ इनर्जी ट्रांसफर करती है, मीडियम को या मटेरियल को ट्रांसफर नहीं करती, ये आपने याद रखना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव्स होती है, देखें हमारे पास ना एक स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग का मुझे एग्जैक्ट नाम याद, उसको क्या बोलते हैं ये, अगर आप जाए ना कॉस्मेटिक शॉप पर, नहीं कॉस्मेटिक शॉप से नहीं, जो होते हैं ना जनरल स्टोर, जहाँ पर ये टॉयज वगैरह मिलते हैं बच्चों के खिलौने वगैरह, अगर उस शॉप पर जाते हैं ना तो वहाँ पर एक ना स्प्रिंग मिलता है 20 रुपये का, प्लास्टिक का डब्बे में बांध, उसको खोले, उसको यूं पकड़े, वो ना यू होता है ऐसे, एक हाथ से इधर पुश करें, एक हाथ से इधर, वो स्प्रिंग है ना प्लास्टिक है तो वो बड़े अच्छे से वो ना वो फ्लेक्सिबल होता है, तो एक हाथ से इधर पुश करें, एक हाथ से इधर पुश करें, और साथ में वीडियो बनाते रहे, वीडियो को स्लो मोशन पर रखें, स्लोमो बनाए उसका, स्लोमो बनाने पर आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा कि जो वो स्प्रिंग है वो कुछ इस तरह से वाइब्रेट करता है, ये जरा गौर कीजिएगा, कुछ एरिया होगा जहां पर वो स्प्रिंग क्लोज होगा, कुछ होगा जहां पर वो स्प्रिंग दूर होगा, फिर कुछ होगा जहां पर स्प्रिंग जो होगा वो क्लोज क्लोज होगा, फिर होगा जहां पर स्प्रिंग जो होगा वो दूर दूर होगा। बात समझ आएगी? अब इसमें दो तरह के रीजन बन रहे हमारे पास, एक रीजन है दिस वन और दिस वन, और दूसरा रीजन है हमारे पास ये वाला और ये वाला, दो तरह के रीजन बन रहे हैं। और वो वाला रीजन जहां पर पार्टिकल क्लोज क्लोज है उसको हम बोल देते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन लफ्ज निकला कंप्रेस से, कंप्रेस का मतलब क्या होता है? दबा देना, तो यहां पर जो पार्टिकल है वो दबे हुए हैं, कंप्रेशन, और ये भी कंप्रेशन है। और वो वाला एरिया जहां पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर है, जैसा कि ये दो पार्ट्स हैं, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन क्या होता है जी? रेयरफैक्शन होता है जहां पर पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो इसको हम कहेंगे रीजन वेयर पार्टिकल ऑफ वेव आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, इसको हम बोल देते हैं कंप्रेशन। और वो वाला एरिया रेयरफैक्शन जहां पर, रीजन वेयर पार्टिकल आर फार अवे, उसको हम बोल देते हैं रेयरफैक्शन। ठीक हो गया, यहां पर पार्टिकल से दूर दूर है, यहां पर पार्टिकल से करीब करीब है, ये आपने दो डेफिनेशन याद रखनी है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होता है।
अच्छा अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है, ये हमें पता चल गया लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो एक एग्जांपल हमने ये किया, हम इसको इधर से पुश करते हैं, इधर से पुश करते हैं, वेव ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, पार्टिकल भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। जो वेव है जब एक हाथ से पुश करते हैं तो यहाँ से वेव प्रोड्यूस होती है, वेव मतलब कंप्रेशन या रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होता है और वो वेव के ऊपर उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो हम इसको यूं डिफाइन करेंगे, बल्कि वो हमने स्पेस ज्यादा ले लिया, चले हम यहां पर लिख देते हैं द वेव इन विच, बल्कि हम ना वहां पर लिखते हैं दूसरे वाले, चलो ड्रेस करके लिख लेंगे द वेव इन विच द पार्टिकल पार्टिकल्स ऑफ वेव वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन इन विच इन द सेम डायरेक्शन टू विच जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट, या फिर सो वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव इन द सेम डायरेक्शन टू विच वेव प्रोपागेट। ठीक है, एक ही बात है, वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है लेकिन मतलब मीनिंग सबका एक ही है कि ये वो वाली वेव होती है जिसके अंदर वेव जो पार्टिकल होते हैं वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट करते हैं, जिस डायरेक्शन की जो डायरेक्शन वेव की होती है ना वही डायरेक्शन वेव पार्टिकल के वाइब्रेशन की होती है। अगर आप गौर करें ना तो इसके अंदर ना अगेन वही टू पार्ट्स बन रहते हैं, वेव जो होती है किसी जगह पर इससे पार्टिकल क्लोज क्लोज होते हैं और किसी जगह पर इससे दूर दूर हो रहते हैं। अच्छा एक वेव हमने ये भी वाली पढ़ी है ना, ये वाली एक वेव होती है, एक ये वाली वेव और होती है, इसको ट्रांसफर वेव्स कहते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दोनों के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना तो हमारे पास जो दो तरह के पार्ट बन रहे होते हैं, एक ऊपर हाइट एक नीचे हाइट। अब जो ऊपर हाइट बन रही होती है अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ऊपर वाली जो हाइट होती है वो होती है कंप्रेशन वाली, जो नीचे वाले पार्ट होता है वो होती है रेयरफैक्शन वाली, फिर इस तरह ये कंप्रेशन वाली और फिर ये रेयरफैक्शन वाली, ये आपने याद रखना है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव को दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास कुछ नहीं बनता है। ठीक हो गया। अच्छा इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है हमारे पास, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास होती है वाटर वेव, सॉरी साउंड वेव, नॉट वाटर वेव, साउंड वेव। जो साउंड वेव होती है हमारे पास वो एग्जाम्पल होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका मतलब है जो साउंड होता है एक तो वो वेव के जरिए ट्रांसफर होता है, और कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसके अंदर का मतलब जो साउंड है इसके अंदर कंप्रेशन बनता है और इसके अंदर रिफ्रैक्शन बनता है। ठीक हो गया। दूसरी बात करते हैं ट्रांसफर वेव, जो कि इसकी मैकेनिकल वेव की दूसरी टाइप है, आई होप कि आपको इसके समझ आई होगी। टाइप टू हमारे पास है ट्रांसफर वेव। अब ये ट्रांसफर वेव्स क्या होती है, अच्छा ट्रांसफर वेव्स की पहले हम चलो इसको पहले हम एग्जांपल करते हैं। देखें हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ना एक रस्सी है, हम उसको मार्क कर लेते हैं, कोई धागा बांध देता ताकि हमें नजर आता रहे, एक कैंडा हमने वहां पर बांध दिया, यहां रस्सी हमारे पास है, इसको अप एंड डाउन करते हैं। अब क्या होगा, जो हमने बांधा हुआ निशान लगा ना धागा जो हमने बांधा हुआ है वो अब देखेंगे कि वो धागा आगे मूव नहीं करेगा, बल्कि वो धागा जो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है, अप एंड डाउन, किस डायरेक्शन में, अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है, और जो लूप है वो आगे को ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि वेव की डायरेक्शन फॉरवर्ड है और जो पार्टिकल की डायरेक्शन है वो अप एंड डाउन है, ऐसे ही है ना। तो जो इस तरह की वेव होती है ना उसको नाम देते हैं ट्रांसफर वेव। क्यों, क्योंकि इसे डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल से इसी वजह से होती है कि इसमें वाइब्रेट अप एंड डाउन होते, पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं और वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसा कि हमारे पास अगर इसकी डायग्राम बनाते हैं तो कुछ यू बनती है, इस तरह। अब जो वेव की डायरेक्शन होती है वो ये होती है, ये होती है हमारे पास वेव डायरेक्शन, ठीक है, और जो पार्टिकल की डायरेक्शन होती है वो ये होती है अप एंड डाउन, अप भी और डाउन भी। ठीक हो गया। इसके भी रीजन होते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव में पढ़ा था। अब वो वाला पॉइंट जो कि इसको बोलते हैं मेन पोजिशन, ये वाली इसको बोलते हैं मेन पोजीशन, मेन पोजीशन, ठीक है, वो वाला लूप जो मेन पोजीशन से अप है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और वो वाला पॉइंट जो कि मेन पोजीशन से नीचे है ये वाला, इसको बोल देते हैं
ट्रफ, ठीक है। अच्छा अब जो हमारे पास हाइट होती है ना मेन पोजीशन से लेकर वेव की मैक्सिमम जो हाइट होती है मैक्सिमम, ये वाली नहीं हो सकती, ये वाली मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम ये है, ये वाली या फिर ये वाली मैक्सिमम, चाहे वो हाइट नीचे वाली डाउन काउंट कर ले या अप वाली काउंट कर ले, मतलब एक ही दोनों का, इसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन एदर अपसाइड और डाउन साइड, दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये हाइट होती है मैक्सिमम, और इसको हमेशा मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट से ही इसको काउंट करते हैं, इसको किसी और पॉइंट से हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा एक और चीज याद रखना आपने, इसमें ना टू कंजेक्टिव, चाहे वो क्रस्ट हो, ऊपर वाले हमारे पास होते हैं क्रस्ट और नीचे वाले हमारे पास होते हैं ट्रफ, टू कंजेक्टिव क्रस्ट और टू कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ इसको हम लिखते हैं इस साइन से, लैम्डा, टी है ना, टी को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा, एल ई एम बी डी ए, एल ई एम बी डी ए, लैम्डा, ठीक है, इस साइन को बोलते हैं लैम्डा। तो टू कंजेक्टिव क्रस्ट या फिर टू कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस होता है, दैट्स कॉल्ड वेवलेंथ, या उसको बोलते हैं लैम्डा। अच्छा एक और चीज है कि इसमें वन वेव है, टू वेव है, थ्री वेव है, कितनी वेव्स हैं? वेव आप इनफैक्ट आपने क्या करना होता है, जब भी आपने वेव काउंट करनी है ना तो आपने एक सर्कल बनाना है, बस सर्कल बनाना है। अब अगर सर्कल को मैं तोड़ दूं, टू इक्वल पार्ट्स में काउंट कर दूं, तो ये क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, एक ये हो जाएगा हाफ और दूसरा हाफ क्या होगा, ये हो जाएगा, ऐसे ही है। मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूं, एक ये है दूसरा ये है, तो ये हमारे पास वन वेव होगी, यानी कि वन सर्कल, यानी हम कहते हैं कि टू लूप्स हैं, एक अपवर्ड लूप है एक डाउनवर्ड लूप है, तो जब टू लूप्स होंगे, एक ऊपर वाला यानी कि क्रस्ट और एक नीचे वाला लूप यानी कि ट्रफ, दोनों मिलकर वन वेव बनाएंगे। अब इस वाले केस में देखें कितनी वेव्स हैं, एक ये लूप है एक ये लूप है, यहां तक तो बनेगी हमारे पास वन वेव, यहां तक ये वन वेव है, तो बाकी हाफ आगे, इसका मतलब ये वन एंड हाफ वेव है, वन एंड हाफ वेव यानी डेढ़ वेव है ये, ठीक है। तो हमारे पास वन वेव कहां से कहां तक होती है, कोई से भी एक क्रस्ट हो और एक ट्रफ हो तो वो मिलकर बनाएगी वन वेव। देखें इस वाले केस में ये क्रस्ट है और ये इसके वाले केस में ट्रफ है, ठीक है। तो कोई से भी दो, कोई से भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ जब मिलेंगे आपस में तो वन वेव बनाएंगे, याद रहेगा आपको ये। या फिर हम यूं कहते हैं जहां से वेव स्टार्ट हुई है, जहां से पॉइंट स्टार्ट हुआ है, जब उसी पर एंड करेंगे तो हमारे पास वन वेव होगी। ये देखें स्टार्ट हमने लिया जीरो पर और जीरो के बाद अपवर्ड जा रही है, जीरो से स्टार्ट लिया है तो यहां पर भी जीरो है लेकिन यहां से डाउनवर्ड आ रही है, नहीं यहां पर आ जाए, यहां पर वेव फिर अपवर्ड जा रही है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक वेव होगी। अच्छा एक और बात करते हैं, हम वेव को यूं भी कह सकते हैं, अगर मैं स्टार्ट यहां पर यहां से करूं, यहां से वो स्टार्ट करते हैं वेव को, तो स्टार्ट कहां से हो रही है, ये क्रस्ट के हाफ से स्टार्ट हो रही है, ये क्रस्ट है ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है तो इसके हाफ तक, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक भी एक वेव बनती है हमारे पास, तो याद रखना जहां से स्टार्ट हो रही है ना उसी पॉइंट पर एंड होगी तो वन वेव होगी, और एक वेव में एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है, कोई से भी कंजेक्टिव टू क्रस्ट और टू ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है, वेवलेंथ होता है, बात याद रहेगी। चले अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, ट्रांसफर वेव्स की को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो ट्रांसफर वेव्स हमारे पास ऐसी वेव होती है, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ वेव वाइब्रेट, जी इसमें वाइब्रेट कैसे करते हैं, अगेन वो एग्जांपल ले रहे हैं, रस्सी के साथ हमने धागा बांध रखा है, अप एंड डाउन करते हैं तो धागा अपनी जगह पे ऊपर नीचे होता रहेगा, लूप सिर्फ आगे जाएंगे, वेव आगे जाएगी धागा ऊपर नीचे होता रहेगा, मतलब क्या है, इन विच द पार्टिकल ऑफ वेव वाइब्रेट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन अबाउट मेन पोजिशन, ठीक है, अपनी मेन पोजिशन के अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे, सॉरी इसको हम यू कैसे कह सकते हैं, अप एंड डाउन की बजाय हम यू कहते हैं वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव,
ठीक हो गया। कैसे? जैसे वाइब्रेट जो पार्टिकल करेंगे वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। अगेन वो एग्जांपल है, रस्सी को बांधा हुआ है एक साइड, दूसरा हमारे हाथ में है, हम इसके ऊपर हम धागा बांध देते हैं। अब वाइब्रेट जब करेंगे इस तरह अप एंड डाउन करेंगे, धागा होगा वो अप एंड डाउन वाइब्रेट हो रहा है, जबकि जो वेव है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बिल्कुल ऐसे वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और जो पार्टिकल है वो अप एंड डाउन कर रहे हैं इस तरह से। तो हमारे पास जो वेव और पार्टिकल के दरमियान का एंगल बनता है वो 90 बनता है, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। हम कहते हैं ऐसी वेव जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। और इससे जो पहले हमने पढ़ी थी, हमने कहा था लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो ऐसी वेव होती है जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के वेव वाली डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उसको हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। दोनों में फर्क ही होता है, सिर्फ यहां पर फर्क होगा वाइब्रेट परपेंडिकुलर, तो लॉन्गिट्यूडनल हम कहेंगे वाइब्रेट टू एंड फ्रो या फिर वाइब्रेट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जस्ट ये फर्क होगा। ठीक है, बाकी इसमें अगर हम दोनों को हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन करके हम जो भी कह सकते हैं, मैं इसको रेज करता हूं, चले मैं यहां पर बना देता हूं ना, यहां पर क्लोज क्लोज, यहां पर दूर दूर, यहां पर फिर क्लोज क्लोज। ठीक है, इस वाले केस में ये हमारे पास ट्रफ है, ये हमारे पास क्रस्ट है, इसमें ये वाला हमारे पास कंप्रेशन है और ये वाला हमारे पास रेयरफैक्शन है। ठीक है, इस वाले केस में जो पार्टिकल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, इस वाले केस में सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, सिर्फ ये फर्क है दोनों में, क्लियर? तो दोनों जो है वो मैकेनिकल वेव की ही टाइप होती है, क्लियर हो गया फ्रेंड? चले आई होप कि आपको इस सारे की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में वेव ट्रांसफर एज अ एनर्जी वो पढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं। थैंक यू।